So, hello everyone, welcome back to our channel Coding Crane. So, let's start our next question of topic binary trees, that is level order traversal. अब इस क्वेश्चन में हम लोगों को गिवन है, सपोज करो ये हमारे पास बाइनरी ट्री गिवन है, ठीक है. अब इसमें हमने क्या करना है, लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल को आउटपुट देनी है. अब वो होता क्या है, वो ये होता है, फॉर एग्जाम्पल आप ये एग्जाम्पल देखो. अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लेंगे 10 को, ठीक है. 10 क्या है, रूट. तो हमने 10 को सबसे पहले लिख दिया, ठीक है. अब 10 के लेफ्ट चाइल्ड है और राइट चाइल्ड है, तो हमने उसके चाइल्ड को लिख दिया, मतलब 20 और 30 को हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है. अब 20 के 40 और 60 चाइल्ड है और 30 का कोई भी चाइल्ड नहीं है. और अगर सपोज करो 30 का भी होता, फॉर एग्जाम्पल 70 एंड 80, तो हम लोग क्या लिखते, 40, 60, फिर 70 एंड 80, ठीक है. मतलब कि हम लोगों को एक एक लाइन पे आना है और हर एक वैल्यूज को प्रिंट करवाते जाना है, ठीक है. तो ये हमारा है, हमने इस सेंस में आउटपुट अपनी देनी है, ठीक है. अब यहाँ पे हम लोग कोड देखते हैं. ये कोड बहुत ही ज़्यादा इजी है, एक बार आप देखो. अब देखो, फॉर एग्जांपल हमने ये टू लाइंस लिखी. ये टू लाइंस जो है ना, वो डिफ़ॉल्ट केस है. वो डिफ़ॉल्ट केस क्या है, यहाँ पे आप देखो, हम लोगों को गिवन है रूट, ठीक है. अब ये रूट क्या है, अब फॉर एग्जाम्पल आपने ये कोड देखो. अब देखो ये हमारा 10 रूट है, ठीक है. तो अब ये देखो, यहाँ पे कंप्यूटर है, ठीक है. अब कंप्यूटर इस सिर्फ 10 को पॉइंट नहीं कर रहा, कंप्यूटर 10 को पॉइंट कर रहा है, बट 10 कहाँ पे है, पूरे ट्री के अंदर है. मतलब कि अब हम लोग फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक्स है, ठीक है. तो कंप्यूटर एक्स को पॉइंट कर रहा है, ठीक है. और जैसे ही हम लोग एक्स डॉट ये लिखेंगे राइट, तो वो उसका राइट चाइल्ड दे देगा. और अगर हम लोग एक्स डॉट लेफ्ट लिखेंगे तो वो उसका लेफ्ट चाइल्ड दे देगा, ठीक है. तो वैसे ही हम लोगों को यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है रूट, ठीक है. रूट मतलब कि ये फुल ट्री, ठीक है. इस रूट में सिर्फ वन नहीं आएगा, इस रूट में आएगा सब कुछ, ठीक है. मतलब कि कंप्यूटर जो है वो हम लोगों को क्या दे रहा है, कंप्यूटर हम लोगों को ये फुल बाइनरी ट्री दे रहा है, ठीक है. तो सबसे पहले कंडीशन हमने क्या लिख दी, इफ रूट इज नन, मतलब कि अगर हमारे पास कोई बाइनरी ट्री है ही नहीं, मतलब कि जीरो है, तो हम लोग बाय डिफॉल्ट रिटर्न कर देंगे, मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं करेंगे. तो हम लोगों को ऑटोमेटिकली कंप्यूटर को पता चल जाएगा कि हमारे पास बाइनरी ट्री गिवन ही नहीं है, इसलिए इन्होंने कुछ भी रिटर्न नहीं किया, ठीक है. ये बाय डिफॉल्ट केस है. और वैसे गीक्स फॉर गीक्स में आपको कोई भी ऐसी केस नहीं मिलेगा, तो आप इसको हटा भी सकते हो, बट कुछ प्लेटफॉर्म्स में हो सकता है कि इसमें ये कंडीशन हो कि खाली ट्री दिया हो, तो आप वहाँ पे ये कंडीशन लिख सकते हो, ठीक है. अब जो मेन कोड है हमारा यहाँ से शुरू होता है. अब इसमें हमने क्या किया, दो लिस्ट ले ली, ठीक है. इस स्क्वेयर ब्रैकेट्स को कहते हैं हम लोग लिस्ट, ठीक है. ये स्क्वेयर ब्रैकेट्स है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हम लोगों को स्क्वेयर ब्रैकेट्स गिवन है. तो हमने एम्प्टी लिस्ट ले ली, जिसका नाम दिया क्यू और ए, ठीक है. अब हम लोग क्या करेंगे, इस वाली लिस्ट में, क्यू लिस्ट में डॉट अपेंड कर देंगे रूट को, ठीक है. अब इस लिस्ट में पहले ये खाली थी, लेकिन इस लाइन से हमने इस क्यू में इस रूट को डाल दिया, ठीक है, मतलब अपेंड कर दिया. अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग लिखेंगे वाइल लूप चलाएंगे, और ये बस सारा कमाल जो है वो वाइल लूप का ही होगा. अब इस वाइल लूप में वाइल लेंथ ऑफ क्यू इज ग्रेटर देन जीरो, इस सेंटेंस का मतलब है कि जब तक हमारी क्यू खत्म नहीं होती, मतलब एम्प्टी नहीं होती, तब तक हम लोग इस क्यू को एग्जीक्यूट करते रहेंगे, ठीक है. अब देखो, हमने सबसे पहले इस क्यू को यहाँ पे, अब देखो आप ये कह रहे होगे कि यहाँ पे आपने क्यों डाला, आप वाइल के अंदर भी हम लोग रूट डाल सकते थे ये वैल्यू, लेकिन हमने इसलिए डाला क्योंकि हमारी जो वाइल कंडीशन है ना, वो तभी चलेगी जब हमारी क्यू एम्प्टी नहीं होगी. तो हम लोगों को पहले एक एलिमेंट वहाँ पे डालना ही पड़ेगा, इसलिए हमने क्या किया, इसके अंदर रूट को अपेंड कर दिया, ठीक है. अब देखा, लेंथ ऑफ क्यू इज ग्रेटर देन जीरो, यस उसकी लेंथ ग्रेटर देन जीरो है, तो हम लोग वाइल लूप के अंदर आ गए. और अब हमने क्या किया, नोड इज इक्वल टू क्यू डॉट पॉप. अब इसमें क्या होगा, पॉप के बाद में हमने लिखा है जीरो इंडेक्स, मतलब कि अब जैसे सपोज करो ये हमारी लिस्ट है, ये हमारी लिस्ट है, इसमें बहुत सारी वैल्यूज है फॉर एग्जांपल, तो सबसे पहले यहाँ पे जीरो इंडेक्स होगा, मतलब कि सबसे पहली वाली वैल्यू, ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, q डॉट पॉप कर देंगे सबसे पहली वैल्यू, और सबसे पहली वैल्यू क्या है हमारे पास, 10. तो अब इस नोड में हमारे पास क्या आ गया, 10 आ गया, ठीक है. अब हम लोग नेक्स्ट में क्या करेंगे, a डॉट अपेंड, क्या अपेंड करेंगे, नोड डॉट
डेटा। अब यहाँ पे आप देखो, बहुत इम्पोर्टेंट ये चीज़ है। अब देखो हमने यहाँ पे रूट डाली, ठीक है। रूट मतलब कि हमने जो भी ये सब कुछ है वो हमने इस क्यू में डाल दिया, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे जब हमने नोड को अपेंड किया तो हमने क्यू डॉट पॉप 0 किया, ठीक है। तो अब ये देखो, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास यहाँ पे 10 है, फिर यहाँ पे 20, फिर 30 है, और फिर यहाँ पे 40 एंड 60 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखो, अब हमने क्या किया, एक तो ये पूरा सर्कल है, ठीक है। एक इस सर्कल के अब चार टाइप्स हैं। एक ये पूरा सर्कल, अगर हम लोग पूरे सर्कल की बात करें ना, इससे अगर हम लोग आवाज दें सर्कल को तो ये पूरा आएगा, ठीक है। अगर हम लोग सर्कल डॉट डेटा करें तो इसके अंदर जो भी डेटा है, मतलब कि 10 है इसके अंदर, तो हम लोगों को 10 प्रिंट होगा। अगर हम लोग सर्कल डॉट राइट करें तो हम लोगों को यहाँ पे जो वैल्यू होगी ना, मतलब कि 30, 30 प्रिंट होगी। और अगर हम लोग सर्कल डॉट लेफ्ट करें तो यहाँ पे जो वैल्यू है, मतलब कि 20, वो 20 प्रिंट होगी। तो आप समझ रहे हो, अगर ये पूरा सर्कल है, ठीक है, अगर हम लोग सिर्फ सर्कल को बुलाएं तो इस सर्कल, ये जो सर्कल है ये पूरे सबको कनेक्टेड है, ये सबके संग कनेक्टेड है। तो अगर हम लोग सर्कल को सिर्फ अकेले आवाज देंगे तो जब भी हम लोग अकेला सर्कल देंगे ना, तो सर्कल अपने साथ इन अपने बच्चों को और वो अपने बच्चों को भी लेके आएगा। लेकिन अगर हम लोग सर्कल डॉट डेटा को आवाज दें तो वो क्या करेगा, वो सिर्फ अपने आप को, मतलब कि 10 को ही बुलाएगा, ठीक है। और अगर सर्कल के लेफ्ट चाइल्ड को बात करें तो लेफ्ट आ जाएगा, अगर राइट की बात करें तो राइट आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमने नोड लिया, नोड इज इक्वल टू क्यू डॉट पॉप। यहाँ पे हमने क्या किया, पॉप 0, मतलब कि जो आउट हुआ है वो सिर्फ 10 ही आउट हुआ है, लेकिन वो अंदर खाते अपने बच्चों को भी साथ लेकर आया है, ठीक है। और अगर हमने सिर्फ 10 को आवाज देनी है तो हम लोग क्या करेंगे, इस नोड की वैल्यू, फिर डॉट लिख देंगे डेटा, ठीक है। तो ए डॉट अपेंड हो जाएगा, ए मतलब कि ए में, यहाँ पे मतलब हमने दो लिस्ट ली है ना, एक तो ए ली है और एक क्यू ली है। तो ए में हमारा अपेंड हो जाएगा नोड का डेटा, मतलब कि अब इसमें हमारा क्या आ गया, 10 आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, इफ नोड डॉट लेफ्ट इज नॉट नन, अगर वो नन नहीं है। अब नोड का लेफ्ट क्या है, नोड का लेफ्ट है 20। अब देखो यहाँ पे इज नॉट नन, मतलब कि ये कंडीशन ट्रू हो गई, क्यों, क्योंकि इसका लेफ्ट जो चाइल्ड है वो खाली नहीं है, वो कुछ है। तो यहाँ पे भी लिखा है इज नॉट नन, बल तो ये कंडीशन ट्रू क्योंकि वो नन नहीं है। तो हम लोग इसके अंदर आ गए और क्यू में डॉट कर लेंगे, क्यू डॉट अपेंड, मतलब कि अब इस क्यू में हम लोग क्या अपेंड करेंगे, नोड डॉट लेफ्ट, मतलब कि यहाँ पे अब आ गया हमारा 20, ठीक है। पहले हमारा 10 था, अब देखो, अब मैं कह रही हूँ कि पहले हमारा 10 था, वो यहाँ पे सिर्फ 10 ही शो होगा, क्यों, क्योंकि वो 10 का एड्रेस है। यहाँ पे हम लोगों ने 10 को नहीं रखा, 10 के एड्रेस को रखा है, मतलब कि आप समझ लो कि जैसे हमने इसका एग्जाम्पल लिया तो हमने पूरे सर्कल की बात की ना, एक तो पूरा सर्कल है तो हम लोग यही शो करेंगे कि इस सर्कल की बात कर रहे हैं, लेकिन वो सर्कल अपने साथ अपने बच्चों को भी लाएगा। लेकिन अगर हम लोग सर्कल डॉट डेटा की बात करें, सर्कल डॉट जैसे कि हमने यहाँ पे यूज़ किया, यहाँ पे नोड का यूज़ किया, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल में सर्कल वर्ड यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो अगर हम लोग सिर्फ नोड को बात करें तो नोड में हम लोग को क्या दिखेगा कि सिर्फ वो 10 ही है, क्यों, क्योंकि वो 10 का ना वो इसका एड्रेस रखता है, ठीक है। और इसके एड्रेस के साथ हर एक चीज़ें, उसके बच्चे भी लिंक्ड हैं, ठीक है। तो जो जो ये हेड है घर का, ठीक है, तो अगर आप इसका एड्रेस दोगे तो ऑब्वियस है कि उसके बच्चे भी वहीं पे होंगे। तो अगर हम लोग सिर्फ नोड की बात करें तो वो पूरे को ही डिनोट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमने क्या लिखा, नोड डॉट लेफ्ट, ठीक है। तो नोड डॉट लेफ्ट हमारा क्या हो गया, 20, ठीक है। तो वो 20 को उठाएगा और क्यू के अंदर डाल देगा, ठीक है। अब यहाँ पे फिर वही बात है, आपने 20, यहाँ पे आपने 20 के एड्रेस को डाला, यहाँ पे हम लोगों को ये दिखेगा कि 20 ही डाला है, बट हम लोगों ने साथ में इस 20 के जो बच्चे हैं ना, 40 और 60, ये उसको भी डिनोट करेगा, मतलब उसके अंदर सेफ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं पहले से 10 था, मैं अभी पिछले लिखा था वो मैं लिख देती हूँ, हाँ। अब देखो, अब यहाँ पे हम लोग आए और हमने क्या किया, क्यू डॉट अपेंड कर दिया नोड डॉट लेफ्ट को, फिर हमने क्या देखा, नोड डॉट राइट। अब ये हमारा नोड था, उसका राइट चाइल्ड क्या है, 30, यस वो भी प्रेजेंट है, मतलब कि ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। और हम लोग क्या करेंगे, क्यू डॉट अपेंड कर देंगे नोड के राइट को, अब 20 के बाद हमारा यहाँ पे 30 भी ऐड हो गया,
ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये हमारी इफ कंडीशन खत्म हो गई। अब यहाँ पे इस वाई, ये पूरा वाइल है हमारा यहाँ तक, ठीक है। अब वाइल के आगे कुछ और तो है नहीं, तो कंप्यूटर फिर से इस वाइल के पास जाएगा और चेक करेगा क्या हमारी क्यू की लेंथ ग्रेटर देन 0 है। यस, अभी भी यहाँ पे दो नंबर्स हैं, तो वो क्या करेगा, नोट करेगा डॉट, यहाँ पे नोट इज इक्वल टू क्यू डॉट पॉप, ठीक है। अब पॉप करेगा 0, मतलब कि जो 0th इंडेक्स पे है, मतलब कि 20। तो नोड नोड की वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, 20, ठीक है। बट अब वो 20 अगर हम लोग सिर्फ नोड लिखें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो ए डॉट अपेंड, और ए मतलब कि इस लिस्ट की बात कर रहे हैं, और डॉट अपेंड मतलब हमने ऐड करना है, बट क्या ऐड करना है, नोड डॉट डेटा। तो नोड का डेटा क्या हुआ, यही 20। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे इसको ऐड कर दिया 20 को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देखो, इफ नोड डॉट लेफ्ट इज नॉट नन, अब नोड ये हमारा नोड हो गया 20, अब इसका जो लेफ्ट है मतलब कि 40, क्या वो नन है, नहीं वो तो नन है नहीं, तो यहाँ पे यही गिवन है, इफ नोड डॉट लेफ्ट मतलब कि 40 इज नॉट नन, और 40 नन, नन मतलब 0, ठीक है, इज नॉट नन मतलब कि 40 0 नहीं है, और ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो हम लोग क्या करेंगे, क्यू में मतलब कि इस क्यू में अपेंड कर देंगे इसके चाइल्ड को, मतलब कि 40 को हमने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। वैसे हमने इस कंडीशन को चेक किया नोड का राइट, अब नोड का राइट भी 60 है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो हम लोग सिमिलरली नोड डॉट राइट को मतलब कि 60 को क्यू के अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है। अब फिर से हमारी जो वाइल लूप है वो खत्म हो गई, अब फिर से हम लोग वाइल लूप के पास जाएंगे और चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ से हमारा 20 हट गया, 20 क्यों हटा, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिखा था, क्यू डॉट पॉप, ये हमने लिखा क्यू डॉट पॉप, पॉप मतलब होता है कि उस लिस्ट में से हम लोग उसको निकाल देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 20 हमारे लास्ट स्टेप में चला गया था, अब हमने क्या किया, फिर से आए, अब इस लेंथ देखी, लेंथ अभी भी ग्रेटर है 0 से, तो कंडीशन ट्रू, हम लोग वाइल लूप के अंदर, अब नोड में क्या आएगा, नोड इज इक्वल टू क्यू डॉट पॉप। अब यहाँ पे 30 जो है ना, 30 हमारे इंडेक्स 0 पे है, क्योंकि हमने 20 को निकाल लिया, तो क्यू जो है वो ऑटोमेटिकली 30 को 0 इंडेक्स पे रख देगी, तो यहाँ पे हमारा आ गया 30। तो हमने क्या किया, ए डॉट अपेंड कर दिया नोड डॉट डेटा, मतलब कि अब 20 के बाद हमने यहाँ पे 30 को ऐड कर दिया। फिर हमने फिर ये कंडीशन चेक करी, क्या अब नोड, नोड हमारा क्या है, 30, ठीक है। अब ये 30 है, ठीक है, 30 दो मतलब इफ नोड डॉट लेफ्ट इज नॉट नन, अब यहाँ पे देखो 0 है, और नन मतलब भी होता है 0, ठीक है, 0 यहाँ पे नोड डॉट लेफ्ट क्या है, यहाँ पे 0 कुछ भी नहीं है, तो 0 इज नॉट 0, बल ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस इफ के अंदर नहीं आएंगे, सिमिलरली यहाँ इस 30 का राइट चाइल्ड भी नहीं है, तो हमारी ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी। तो हम लोग फिर से इस वाइल लूप के पास जाएंगे और देखेंगे क्या हमारी लेंथ जो है वो क्यू की अभी भी ग्रेटर देन 0 है, यस। तो हम लोग क्या करेंगे, वाइल लूप को फिर से एग्जीक्यूट कर देंगे। अब जब हमने वाइल लूप को एग्जीक्यूट किया तो हमारी नोड की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, 40, ठीक है, और वो 40 यहाँ से हट जाएगा क्योंकि हमने पॉप किया ना, पॉप मतलब निकाल देते हैं, ठीक है, और हमने यहाँ पे लिख दिया। अब उसको हमने ए डॉट अपेंड कर दिया नोड डॉट डेटा, मतलब नोड हमारा 40 को डिनोट कर रहा है, उसका डेटा मतलब कि 40 इटसेल्फ, तो 30 के बाद हमारा यहाँ पे आ जाएगा 40, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्या 40 का चाइल्ड है, नहीं 40 का भी चाइल्ड नहीं है, तो हमारी ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी, ना हमारा उसका लेफ्ट चाइल्ड है ना उसका राइट चाइल्ड है, तो ये दोनों ही कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब वाइल लूप खत्म, हम लोग फिर से वाइल लूप के पास जाएंगे और चेक करेंगे क्या हमारी लेंथ जो है क्यू की अभी भी ग्रेटर है, यस, अभी भी यहाँ पे एक अल्फा नंबर है मतलब कि 60, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको 60 को यहाँ से निकाल देंगे और नोट के अंदर डाल देंगे, ठीक है। मैं इसका एक बार कलर चेंज कर लूँ, बहुत ब्लैक ब्लैक हो गया है, हाँ, तो अब यहाँ पे नोट में आ गया 60, ठीक है। अब देखेंगे ए डॉट अपेंड कर देंगे नोड के डेटा को, मतलब कि हमने क्या लिखा यहाँ पे, 60 को ऐड कर दिया। अब हम लोग देखेंगे क्या 60 का चाइल्ड है लेफ्ट और राइट, नहीं दोनों ही नहीं है, तो हमारी ये दोनों कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब हम लोग फिर से वाइल लूप के पास जाएंगे और देखेंगे लेंथ ऑफ क्यू, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो लेंथ क्यू की क्या हो गई, 0। अब देखो क्या 0 ग्रेटर है 0 से, नो, ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गई, मतलब कि अब हम लोग वाइल लूप को और एग्जीक्यूट
नहीं कर सकते, तो हम लोग वाइल लूप के बाहर आ जाएंगे और रिटर्न कर देंगे ए को। और ए क्या है, ए हमारी ये लिस्ट है जिसमें क्या क्या है, 10, 20, 30, 40 एंड 60। और आप देखो यही यही हमारी आउटपुट है, 10, 20, 30, 40 एंड 60। तो ये हमारा कोड था। अब यहाँ पे आप देखो हमने दो लिस्ट ली है, एक तो क्यू और एक ए नेम स्कीम। ओके, अब आप देखो यहाँ पे हमने दो इसीलिए ली है, एक तो स्टोर करेगी एक एक करके लाइन में जाके अल्फा नंबर्स को, ठीक है, और वहां से वो पॉप करती रहेगी। इसका मतलब कंप्यूटर को और हमको ये पता चलता रहेगा कि ये वाला अल्फा नंबर हो गया है, सबसे पहले ये नंबर हुआ फिर ये हो गया, क्योंकि हम लोग पॉप करते जा रहे हैं ना। एक तरफ तो हम लोग ऐड कर रहे हैं यहाँ पे क्यू में और एक तरफ हम लोग निकालते जा रहे हैं, तो इससे पता चलता रहेगा कि एक लाइन कंप्लीट हो गई, फिर एक लाइन कंप्लीट हो गई, फिर एक लाइन कंप्लीट हो गई, ऐसे, ठीक है। और ये क्यू क्या, हम जो ए लिया है, ए लिस्ट क्यों लिया, ये हमारा फाइनल रिजल्ट रखेगी, ठीक है। तो ये हमारा आउटपुट था, ये बस वाइल, ये छोटा सा कोड है जो आपको समझना है। अगर आपको ये समझ लग गया तो आपका ये कोड हो गया। तो ये हमारा था लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल, ठीक है। तो एक बार मैं इसको आपको रन करके भी दिखा देती हूँ यहाँ पे। तो ये हमारी करेक्ट आउटपुट यहाँ पे आ रही है और ये हमारा कोड है, ठीक है। सो थैंक यू, अगर आपको कोई भी दिक्कत आएगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाउन कर सकते हो। थैंक यू।